हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ और वो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। तो एज यू ऑल नो, आई हैव टू किड्स एंड बोथ आर बेबी बॉय। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले बता देना चाहती हूँ कि अभी जो मेरा बेबी बॉय है, सेकेंड डिलीवरी हुई है, उसके ऊपर मैं नहीं बताने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं बाद में बताऊँगी। इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले अभी मैं बताने वाली हूँ मेरी फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी कैसे हुई, वो पहले मैं बता दूँ, फिर मैं बताऊँगी सेकेंड डिलीवरी स्टोरी क्या हुई, क्योंकि दोनों में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो वो चीज़ क्या है वो आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा, तो वो चीज़ें मैं शेयर करूँगी और जो भी मेरे टिप्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ फर्स्ट मेरी डिलीवरी स्टोरी कैसी रही, क्या क्या हुआ। तो मेरा जो 9 मंथ था वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था, लाइक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता था, एसिडिटी होता था, कुछ भी मुझे, मतलब कुछ भी खाती थी उसी वक्त मुझे, उसी वक्त मुझे उल्टी हो जाती थी, और कभी कुछ खाने का मन नहीं होता, कुछ भी देखने का मन नहीं होता था। और कैसे भी करके जब मैं 9 मंथ में गई तो मुझे उस वक्त लगता था कि चलो मेरा कभी भी अब पेन शुरू हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मली, हमें पता होता है कि 9 मंथ स्टार्ट होते ही कभी भी आपको पेन हो सकता है, तो मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार करती थी कि मुझे भी अब पेन कभी भी हो जाएगा जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ। और मैं बहुत ही अच्छा हेल्दी डाइट ले रही थी, सब कुछ टाइम पे कर रही थी, मॉर्निंग और नाइट में मैं बहुत ही अच्छे से एवरी डे वॉक कर रही थी, कभी भी मैंने स्किप नहीं किया, और जो भी कुछ था काम वगैरह करती थी। हालांकि मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मम्मी के हाथ थी, काफ़ी वहाँ आराम मिला, बट फिर भी बहुत कुछ मैं करती थी, कभी बैठी नहीं रहती थी। तो मैंने सब कुछ किया और मैं 9 मंथ जब हुआ तो मैं सोचती थी कि अब जब मेरा पेन होगा तो मैं फटाफट से डॉक्टर के यहाँ भागूंगी और वहाँ पर सब कुछ, जैसे फिल्मों में होता है, ऐसे होगा कि मुझे पेन स्टार्ट होगा, मुझे पुश करने के लिए बोलेंगे, सब कुछ करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो पेन जो है मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ। और मेरा जो डिलीवरी डेट था वो था 3 अक्टूबर 2016 का, और मैं वेट कर रही थी, मैं वेट करती रह गई कि मेरा पेन स्टार्ट होगा, बट हुआ भी नहीं और हो ही नहीं रहा था पेन स्टार्ट। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे, जो मेरे बड़े लोग हैं, सब कुछ जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग सब कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसमें थोड़ा सा लेट बेबी होता है, पहला जो बेबी होता है थोड़ा लेट होता है। तो मैं भी थोड़ा से काम डाउन हो गई थी कि चलो ठीक है, ये लोग कह रहे हैं तो सब अच्छे ही कह रहे होंगे, कि सबके 6 बच्चे हो थे, किसी के 4 थे, तो इन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और लास्ट में मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैं बिल्कुल डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो अब तो पेन हो ही जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि फॉलिक एसिड कैल्शियम वगैरह मैं ले ही रही थी जैसे रेगुलर लेते हैं। तो मैं वेट कर करके, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, कल ही लास्ट में मेरी एक गलती मैंने की कि मैंने डॉक्टर को दिखाना छोड़ दी थी, तो वो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कब दर्द होगा, शुरू कब होगा, और बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और 3 भी जब जो मेरा डेट था डिलीवरी डेट, वो भी मैंने क्रॉस कर दिया, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी, तो वो भी मेरा क्रॉस हो गया 3 अक्टूबर का डेट। फिर मेरे हस्बैंड जो है उस वक्त आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो भी मेरे साथ नहीं थे, तो मैं इसलिए मम्मी के यहाँ थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं 7 को आ रहा हूँ, हाँ 7 को ही उन्होंने कहा कि मैं 7 को आ रहा हूँ, और किसी भी तरह 7 को बेबी जो है मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं मिलने आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो मैं 5 को मैं गई डॉक्टर के यहाँ, हाँ 5 को मैं मॉर्निंग में ही डॉक्टर के यहाँ गई। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं सारा हमने फिलअप किया। फिर जब डॉक्टर आए मुझे चेक करने के लिए, जब उन्होंने मुझे चेक किया तो बताया कि ओ माय गॉड, इतना आपका वीक हो चुका है, आपने जो डेट था उसको भी क्रॉस कर दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो डॉक्टर भी थोड़े हैरान हो गए कि इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका है, और मैं भी थोड़ा टेंशन में हो गई थी कि ओ माय गॉड, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने इतना देर घर पे रह गई, मैं तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम पर। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको इमीजिएटली एडमिट करो और इनका आज ही हम सब कुछ करेंगे, डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है तो वो सारी करेंगे। और उस वक्त उन्होंने कहा कि इनका भी आर्टिफिशियल पेन से होगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई, बहुत ज़्यादा डर गई, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, अपने आप को हिम्मत खुद ही दे रही थी। और सारे जो मेरे घर के लोग थे सारे वो जा चुके थे घर पे, क्योंकि वहाँ ऐसा रूल था कि आपको सिर्फ खुद रुकना है और कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रुकेगा। तो उन लोगों ने सारा अपना प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे 9 बजे एनिमा के लिए बुलाया और मुझे एनिमा दिया गया 9 बजे। तो मुझे ये सब बिल्कुल नया लग रहा था, मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि ये क्या होता है आर्टिफिशियल पेन एंड ये एनिमा, ये सब कुछ क्या होता है, क्यों होता है।
तो बाद में मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चला, फिर जैसे मुझे एनीमा दिया गया मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो वो इसलिए दिया जाता है बेसिकली कि आपके अंदर जो भी गंदगी है वो सारा क्लीन हो सके आपको, क्योंकि जब आपको यू नो पुश करना होता है या जब पेन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉटी भी हो जाता है, तो ये ऐसा ना हो इसलिए वो लोग एनीमा देते हैं। तो वैसा ही मुझे दिया गया, फिर मैं बिल्कुल वॉशरूम गई। फिर मैं जब आई तो उनके उसके बाद बिल्कुल उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से उन्होंने मुझे पानी वगैरह चढ़ाया और यू नो मेरे टमी पे कुछ ऐसा लगा दिया गया जिससे बेबी का हार्ट बीट वगैरह चेक हो रहा था। तो पूरे यू नो जब तक बेबी हो नहीं गया तब तक ये सारी चीज़ें हो रहा था, पानी मुझे बिल्कुल चढ़ता रहा। उसके बेबी होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा पानी चढ़ता रहा। तो मुझे तो मतलब जब बेबी हो गया उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा वीकनेस या कुछ ऐसा फील नहीं होता कि मेरा यू नो बेबी हुआ है मुझे या ऐसा कोई प्रॉब्लम। बट हाँ, नॉर्मल जो होती है डिलीवरी उसमें पेन तो होता ही है, और मैंने ये भी सुना है कि जो आर्टिफिशियल पेन होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब एनीमा वगैरह ये सब हो गया, जब पानी वगैरह चढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन जैसा कुछ था, वाइट सा था, प्लास्टिक जैसा, उसको क्या बोलते याद नहीं आ रहा अभी मुझे, कुछ ऐसा वाइट सा था आपके यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद से ही यू नो ऐसा कुछ लगा, कुछ बहुत ही जोरों से ऐसे फटा, कुछ लीक हुआ। तो यू नो उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा पानी जैसा आने लगा और मैं बिल्कुल परेशान थी कि सब क्या हो रहा है। मैं बोल रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, घबराहट सा हो रहा था। बट उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं उनसे बार बार यही पूछ रही थी कि सिस्टर मेरी डिलीवरी अच्छी हो जाएगी ना, नॉर्मल हो जाएगी ना, नॉर्मल हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा हाँ आपके ऊपर है, आप अगर अच्छे से रहोगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो मैं बिल्कुल यू नो रिलैक्स हो गई थी कि हाँ चलो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को यू नो स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि हाँ मैं अपने नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी मेरी बहुत ही। और जब मुझे उन्होंने आर्टिफिशियल पेन जो जैसे ही दिया तो एक घंटे दो घंटे तक मुझे ना थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा पेन हो रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड इतना कम पेन, वो तो मैं सह लूँगी, इतने में बेबी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं है। फिर धीरे धीरे हर एक घंटे पे इतना ज़्यादा बढ़ते गया और 10 बजे से मुझे पेन जो है वो स्टार्ट होता गया धीरे 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 धीरे। जो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ वो 4 बजे सुबह हुआ और मुझे दर्द भी हो रहा है। दर्द जो होता है डिलीवरी का रुक रुक के आपको होता है, कुछ देर के लिए आपको रुक जाता है फिर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे हो रहा था। तो थोड़ी देर के लिए जो ब्रेक हो रहा था जब मेरा दर्द थोड़ा कम हो रहा था उस वक्त मैं थोड़ी सी ऐसे सो भी जा रही थी, क्योंकि रात भर तो सोई नहीं, दर्द रात भर होते रहा। ऐसे ही दर्द बढ़ता गया जब बहुत ज़्यादा हो गया 4 बजे के बाद में मुझे बर्दाश्त, अब मैंने कहा नहीं डॉक्टर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा सी सेक्शन कर दो, मेरी सीजेरियन कर दो, मैं इतना ज़्यादा मतलब पेन नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था। क्योंकि जो मेरा बेबी था बहुत ज़्यादा मतलब वेट हो चुका था, बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था उस वक्त। मैं इतना ज़्यादा जूस हर चीज़ लिक्विड इतना हेल्दी चीज़ें ले रही थी, प्लस बेबी का वेट गेन होने के लिए कुछ उन्होंने मुझे पाउडर वगैरह भी दिया था, वो थोड़ा मैंने ज़्यादा खा लिया तो इस वजह से बेबी का वेट बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो बेबी जो था काफ़ी ज़्यादा वेट का, तो 4.25 किलो का हुआ था बेबी, तो 4.25 किलो बहुत ज़्यादा होता है। और जब आपका फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे बार बार ये चीज़ हो रहा था फील कि काश मेरे हस्बैंड होते इस टाइम पर, काश मेरे हस्बैंड होते या मेरी मम्मी होती, कोई भी नहीं था। सब तो घर पे थे, उन्हें इनफैक्ट पता भी नहीं था कि आज ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो किसी को पता नहीं था। बट नेक्स्ट डे उनको आना ही था, वो लोग आते यानी 6 अक्टूबर को, 5 को गई थी तो 6 को बेबी हो गया मॉर्निंग में, तो वो उस वक्त आते ही, और वो लोग आ चुके थे बेबी होने से आधे घंटे पहले, मेरी मम्मी मेरी मदर इन लॉ सब आ चुके थे, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे बस मुझे बार बार यही फील होता कि ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसे टाइम पर कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे घर का फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड को यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, बट वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे बस यही लगा था काश इस टाइम पर मेरे साथ कोई होता, कोई दिलासा देता। बट वहाँ की जो सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जो डॉक्टर थे जो डिलीवरी कर रहे थे वो एक जेंट्स डॉक्टर था, तो मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसा लगे कि ओ माय गॉड ये कैसे करेगा। बट जब मैंने देखा सबका ऐसे हो रहा है तो फिर मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ, तो फिर कैसे भी यू नो
मतलब दर्द होता गया। फिर क्या हुआ, मैं बोल रही थी करूँ सिस्टर, मैं कब पुश करूँ, और वो लोग मुझे बोल ही रहे थे कि आपको पुश करना है। मैं बार बार बोल रही थी सिस्टर मुझे कब पुश करना है, मैं पुश करूँ। वो लोग कह रहे थे नहीं अभी नहीं करना है। मैं बोल रही थी क्यों आप लोग बोल नहीं रहे हो, फिर बेबी ऐसे कैसे होगा मैं जब तक पुश नहीं करूँ। क्योंकि मुझे मेरा दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया था कि मुझे पुश करना है तभी बेबी होगा, और वो लोग मुझे बोल ही रहे थे जब से मैं 10 बजे से पेन स्टार्ट हुआ। एक बार भी उन्होंने बोला कि आप पुश करो। फिर उन्होंने कब बोला फाइनली, जब बेबी काफ़ी पास आ चुका था, तब उन्होंने जब ऑलमोस्ट समझो आप बेबी होने से आधे घंटे पहले ही उन्होंने कहा कि अब आप पुश करो। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस टाइम, अक्टूबर का टाइम था, बट गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, ओ माय गॉड पूछो मत। वहाँ पर इनफैक्ट एसी चल रहा था, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मुझे मेरे चारों तरफ काफ़ी सारी सिस्टर थी जो कि मुझे बार बार पानी पिला रही थी। बोतल की ढक्कन जो होती है उससे मुझे थोड़ा थोड़ा लेटे लेटे ही पानी दे रही थी। मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास, और बहुत ज़्यादा पसीना, बाल खुल गए थे। नाइटी वगैरह भी मैं घर का ही पहनती, बट चेंज उन्होंने करवा दिया, बोला था कोई और चेंज करके आ जाओ। अब बार बार मुझे प्यास लग रही है, बार बार वो लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं, और आधे घंटे पहले ही उन्होंने मुझे कहा अब आप पुश करो। मैं पुश कर रही हूँ, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी में, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत था। और वो लोग कह रहे कि करो, आपका बेबी आने वाला है, करो फटाफट से करो, अब आपका बेबी आने वाला है। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं करके थक चुकी हूँ। बोले कि नहीं ऐसे मत करो, बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बेबी का देखो हार्ट बीट कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो लोग बेसिकली मुझे डरा रहे थे, देखो बेबी को कुछ भी हो सकता है, फिर आप लोग देखो बेबी को कुछ भी हो सकता है, फिर आप हमें मत कहना ये वो, बहुत मुझे उन्होंने इतना डरा दिया। मैंने कहा ओ माई गॉड ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं मेरे बेबी के साथ। तो मैंने फाइनली जब 2 से 3 बार ऐसा पुश किया कि फाइनली बेबी जो है वो निकल गया, और जैसे ही निकला उसका आवाज़ रोने का, वो सुनते ही मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड ये सबसे स्पेशल मोमेंट है, ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो उसी वक्त बेबी को उन लोगों ने जैसे ही निकाला मेरे ऊपर रख दिया, बेबी को, मैं ऐसे लेटी हुई थी और मेरे ऊपर रख दिया, और ऐसे मैंने बेबी को पकड़ लिया और उसको बस मैं गौर से देख रही थी। तो उस टाइम बेबी का जो पैर था इस तरफ था मेरे फेस की तरफ, और सर जो था इस तरफ था। तो उनका जो मकसद होता है ना ऐसे रखने का, वो इसलिए होता है कि आप उससे पूछो ना, आप खुद देख लो। तो मुझे दिख गया था कि ये बेबी बॉय है, और फिर भी मैंने पूछा कि क्या है सिस्टर, मैं मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज थी, फिर भी मैंने पूछा कि सिस्टर क्या हुआ है। तो बोला बेबी बॉय हुआ है। तो इतनी ज़्यादा मैं उस वक्त इमोशनल हो गई, मैंने कहा ओ माय गॉड बस मेरे घर वालों को पता चल जाए जल्दी से, फटाफट से पता चल जाए। बट मेरे घर के लोग काफ़ी देर से वो गेट पे बाहर खड़े थे, और उन लोगों ने भी बेबी का आवाज़ सुन लिया था, उनको पता चल गया था। और फिर जैसे ही सिस्टर गई बाहर, उन्होंने मुझे मेरे मदर इन लॉ को, मेरी मम्मी को बता दिया कि सौम्या को बेबी बॉय हुआ है, और सब इतना ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि सबको यही डर लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सबको बस यही टेंशन था बस कैसे भी हो जाए, अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो जब सबको पता चला कि नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल अच्छे से हुआ है, बेबी भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी बेबी हुआ है, सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं उसके बाद फटाफट से क्या, तो मुझे मतलब ऐसा लगा हुआ माई गॉड क्या मोमेंट है, ये सबसे ज़्यादा अनमोल दिन है मेरे लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो टांका किया गया था, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये तो अनिमा जो होता है वो इसलिए भी दिया जाता है, जो आपको जो टांका होता है जो आपको कट किया जाता है जब बेबी होते वक्त, तो जब आपको कट दिया जाता है ताकि आपके जो टांके लगे होते हैं, और आप अगर पोटी जाओ तो आपको पेन ना हो। थोड़ा सा क्या होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर आपको टांका लगा हुआ है तो वो टांका जो है फट सकता है, तो इसलिए भी एनिमा दिया जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि मुझे एनिमा दिया गया, तो जिस वजह से मेरी रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हुई। इसके ऊपर मैं भी सोच रही हूँ अलग से एक वीडियो बनाऊँ कि मेरा टांका जो है वो कैसे इतना जल्दी रिकवरी हुआ। तो मेरी जो रिकवरी है वो डिलीवरी के जस्ट 15 डेज बाद ही हो गई थी, बहुत ही अच्छी खासी हो गई थी, और 21-25 डेज तक काफ़ी मतलब पूरा ही एक तरह से ठीक हो गया था। थोड़ा बहुत ही कभी कभार होता था पेन, बट मेरा जो टांका है बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे उसका केयर किया जो मेरा टांका इतना जल्दी ठीक हो गया।
तो जैसे ही बेबी होता है उसके आधे घंटे बाद ही आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो माँ का पहला दूध होता है। तो मेरे साथ मुझे मतलब बड़ा वो हो रहा था कि अरे यार अभी तो मैंने इतना मतलब एक बेबी को जन्म दिया है, टाँके इतना हो रहा है, पेन ब्लीडिंग इतना हो रहा है, और मुझे बस जल्दी जल्दी करो फटाफट से बेबी को दूध पिलाओ। मैं बिल्कुल ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, बट उन्होंने कहा कि ऐसे ब्रेस्ट फीड कराओ बेबी को, और मेरा बेबी इतना अच्छा जैसे लग रहा था पूरा यू नो डेवलप होके अच्छे से निकला है। जैसे ही बेबी निकला फटाफट से यू नो दूध पीना एकदम शुरू कर दिया। मैं काफ़ी लोगों को देख रही थी, वो बिल्कुल यू नो जो सिस्टर थी वो अच्छे से बता रही थी कि ऐसे करवाओ बेबी को, ऐसे फीड कराओ, ऐसे करवाओ, बेबी शक नहीं कर रहा है ये वो, बट मेरा बेबी टचवुड बहुत जल्दी ही शक करने लगा, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा था, बहुत जल्दी हाथ पैर ऐसे चलाने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होके निकला था। तो काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी हेल्दी बेबी था। तो बस यही है मेरी डिलीवरी स्टोरी, मेरा फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी। तो सेकंड डिलीवरी के तो सेकंड अपनी डिलीवरी स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी, तो थोड़ी देर बाद ही शेयर करूँ या जो भी है तो वो भी बताऊँगी।